इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। इसको बोल के मेरी बेटी से शादी कर ले। मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। अच्छा, बात करनी। अकेली लड़की देखकर राल टपकने लगी? तुम्हारी बात की तो ऐसी की तैसी। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सलाम खान साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम, आओ मेरे बच्चे। वालेकुम वालेकुम, जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो बैठो, शाबाश शाबाश शाबाश। बड़ा सुकून मिलता है खान साहब आपको देख के। शुक्रिया तुम्हारा बेटा, तुम इस काबिल समझते हो। सलाम अलैकुम मामू जान। जीती रहो बेटा, बैठो। क्या हुआ, तुम रो रही है? इंतजार। कैसा इंतजार? मेरे इकलौते भाई शायान का इंतजार। हाँ बेटा, शायान का इंतजार तो मेरी हर सांस के साथ जुड़ा है। पहले जब उसका इंतजार किया करती थी तो उसके वापस आ जाने की उम्मीद भी मेरे साथ बैठी रहती थी। अब उम्मीद ने भी जैसे रंग बदल दिया। अच्छा, ऐसे रोते नहीं, और जाओ, तुम्हारी मामी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शाबाश। मेरे लिए क्या हुक्म है खान साहब? मेरे कान आपका हुक्म सुनने और हाथ उसे पूरा करने को तरस रहे हैं। कैद खाने जाओ, उसे डराओ, समझाओ, दबाव डालो अपनी बातों से। उसकी बहन का मुस्तकबिल आग में जलता हुआ दिखाओ। बस किसी तरह मेरा कहा मान ले। मैं नौकर खान साहब आपका, आपके बच्चों के बच्चों का। छीन के भागने की कोशिश भी मत करना। छीनने की ताकत दी है मुझे अल्लाह। छीनने का हौसला नहीं दिया। जाऊंगा तो दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें महक ने भेजा? शक्ल से झूठा या धोखेबाज लगता हूँ आपको? हाय, वो ही तो नहीं लगते, और यही तो मसला। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि शक्ल से तेज और धोखेबाज नजर आने वाले लोग तो बेचारे होते हैं। इससे पहले कि उनको मौका मिले, मौका देने वाला उनकी शक्ल से डरकर मौका मुट्ठी में दबोच लेता है। बेचारों का तो सच भी कौड़ियों का होता है। ये तो तुम जैसे मासूम आंखों वाले, नरम लहजे वाले लोग होते हैं जो गर्दन भी उड़ा दे तो पता ही ना चले। अब मैं को फोन करके पूछ ले। मेरी जूती करती है उसको फोन। उसकी मदद करने के चक्कर में जो जिल्लत मैंने सही है ना, उसका तो वो हाल करूंगी कि उसका माजी उसके हाल से ताल्लुक तोड़ देगा। और वैसे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें उस नागिन ताई ने भेजा। कहाँ हो तुम? उनके पास हो। आदम प्लीज उसे रोक के रखना, मैं सब यहाँ ठीक कर दूँ, बस दादा घर वापस आ जाए। इंशाल्लाह। ठीक है।
हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अब क्या हुआ? आपने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, क्या जवाब दूं? लफ्जों से पेट भरता है तुम लोगों का? नोट चाहिए ना? मिल जाएंगे, चाहे अपनी बोटियां बेचकर क्यों ना भेजो। डांट क्यों रही हैं बाजी? ओ, डांट कर रही हूं मैं? वही कह रही हूं जो तुम लोग सुनना चाहते हो। बस लहजा थोड़ा सा सख्त है। भाड़ में डालो लहजे को, अपने मतलब के लफ्ज सुनो और बस। मतलब क्या सारे? कभी ये तक नहीं पूछा कि मैं किसान हूं। कहां से देंगी पैसे? है आपके पास? तुम्हारे वादे दावे सब किसी कच्ची मिट्टी के बने थे। वक्त के हल्के से सच ने सब मलिया मेट कर दिया। क्या कहते थे तुम? तुम्हारे आंसुओं के बहने पर पाबंदी तो लगानी है मैंने। दुनिया की सारी खुशियों को समेट कर तुम्हारे इर्द गिर्द रख दूंगा और खुद को तुम्हारी इर्द गिर्द दीवार बना दूंगा ताकि कोई भी गम आए मुझसे टकराए और दम तोड़ दे। चमक रहे तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी हो, आंसू की इतनी औकात ना हो कि तुम्हारे पास भी आ सके। हेलो दादा, शाम होने को आई है, आप अभी तक घर नहीं आए, मेरा दिल बैठ रहा है। हाँ बेटे, तुम परेशान ना हो, मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। हर बात अधूरी छोड़कर गए तू और पूरी करने के लिए फिर कभी वापस नहीं आए। तो आएगा, मेरा वादा है तुमसे, बस तुम दुआ करो। कभी बताया नहीं कि तेरे सगे खून ने तुझे कैद में डाल रखा है। सगा मामा है तेरा। जब खून का रिश्ता था तो फखर से बताया करता था, खून मतलब में बदला, अल्फाज खामोशी में बदल गए।
किए हैं फ्रॉड मैंने, जिंदगी में हेरा फेरियां भी बहुत की, लेकिन अपने लिए नहीं की। हम दो बहनें और एक भाई हैं, बाप ने बेटियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, सारा पैसा बेटे की पढ़ाई पर लगा दिया कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो माँ बाप के डोलते बुढ़ापे को संभाल लेगा और बहनों के पर्दे का सामान बनेगा। तो क्या हो? नहीं बना बड़ा आदमी? नहीं नहीं, बहुत बड़ा आदमी बना, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसी तेज रफ्तारी से उसकी इंसानियत छोटी होती गई। उसने शादी की, खुद को बीवी के पल्लू से लपेटा और दुबई, फिर ना वो आया ना माँ बाप की आस का कोई नतीजा। अफसोस हुआ सुनकर? ओहो, सुनकर वो अफसोस कहाँ होता है जो सहकर होता है। बाप ने अच्छी तरबियत की गिरहें बड़ी कसकर बांधी थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा बाप बगैर दवा के रातों को खांसता था उन गिरों की सख्ती नरम पड़ती जाती थी। फिर एक दिन जब हमसाई ने भी छुटकी को खाने के लिए एक रोटी तक ना दी और वो बेहोश हो गई, बस उस मंजर ने आग का काम किया। तरबियत की रस्सी को जलाकर राख किया। फिर सबसे पहले तो मैंने हमसाई का एक घर जाली कागजात बनाकर बेच दिया। आसान हदफ थी ना, अकेली औरत, खावन मर गया है, बस। फिर आसान पैसे की आदत ऐसी लगी कि गुनाह अपने भाई बहनों जैसा लगने लगा। वापसी का कोई रास्ता? मौत, क्योंकि जिंदगी अब नहीं मानेगी, बड़ा सहा है उसने। चाचा, चाचा ये ट्रेन कब आएगी? वक्त से 2 घंटे ऊपर हो गए हैं। ये छोटा स्टेशन है, छोटा गरीबों का स्टेशन, यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती। बड़े बड़े शीशों वालों की ट्रेनें आती, थप्पड़ मारती हुई चले जाती हैं। छोटा स्टेशन, बस एक ट्रेन आके रुकती है, वो बेचारी फो 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 उतरते हैं बाबे बेचारे, बच्चे माइया, और कोई नहीं रुकती। छोटा स्टेशन, छोटा गरीब लोगों का। उधर सज्जनपुर के पास इंजन फेल हो गया है, पता नहीं कब आएगी, सुबह आएगी कब आएगी। चल भाई। अरे राजा, पूछा क्या पता। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों, बाप लगते हो मेरे? लगते भी तो कोई फर्क ना पड़ता, अब तो मैं बाप की भी नहीं सुनती। बहन की शादी के लिए पैसे नहीं चाहिए? चाहिए। मैं दूंगा। कब? अभी। किसी से कहा है मैंने, बुला रहा। महक के लिए इतनी हमदर्दी, लगती क्या है तुम्हारी? दिल अपना जिदी दिल ते तस्बी ला लईए, रखे अविरदां दे विच सांब माही। हो उने होर किते
ला लईए। तू यहाँ क्या कर रहा है? दादाजी, इतनी देर लगा दी आपने आने में, मेरा इतना दिल बैठ रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारी लेके आई थी उसे साथ, छोटा सा बच्चा है उसका, अगर उसे कुछ हो गया तो। आराम से मुझे बताओ हुआ क्या है। गन लोड करो और उसके सर का निशाना लेकर ताओ। चल चल निकल यहां से। कितनी बेहिस है तुम्हारी बाजी। जी हाँ, कभी कभार मुझे भी महसूस होता। बेटे तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम खुद जाएंगे उसे लेने के लिए। वादा। इंशाल्लाह। ए बदबख्त औरत, ये क्या कर रही है तू? नीचे उतर वहां से। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन समझाए से। क्या हुआ, क्या हुआ सुलेखा बाजी? बाजी, बाजी। कुतुबुद्दीन इधर आ, नीचे उतर से। कमकल नीचे उतर वहां से। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन समझाए से। सुलेखा बाजी क्या कर रही है? नीचे उतरे। कैसी आवाज है? सुलेखा बाजी ना कर रहे, नीचे उतरे। मलिक साहब, आलिया, रोशनी, महक, देखो क्या हाल कर रही है। क्या शोर मचा रखा है? बहू ये क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि आप मुझे हुक्म देने आए कि मैं अपनी जिल्लत भूलकर उस दो टके की नौकरानी को उस घर में आने से ना रोकूं। अपनी जिंदगी में तो ये मैं नहीं करूंगी, इसलिए मर रही हूँ। अच्छा, वो नहीं आएगी इस घर में, बंद करो ये तमाशा। अम्मी भी सुधरे। अम्मी, 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 महक बेटा, कुतुबुद्दीन डॉक्टर को बुलाओ जी। महक, महक बेटा आप भी खोलो। महक बाजी, महक बाजी, महक बाजी आंखें खोले, महक बाजी आंखें खोले, महक बाजी क्या हुआ? महक बेटे पानी, पानी ले आओ, पानी ले आओ। महक बेटा, जब तुम पैसे लेने बाहर गए थे तो मैंने जहन पर जोर डालकर बहुत सोचा। क्या सोचा? कि 6 लाख बड़े या जिल्लत। तो क्या फैसला किया? हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। घर में बहन की शादी है, सुबह तक पैसे पहुंचाने हैं तुम्हें। ओहो, पैसे परसों भी चले गए तो कोई बात नहीं। वैसे भी कम से कम 20 लाख का तो होगा ये बच्चा। बड़े बे औलाद जोड़े घर का खालीपन दूर करने के ख्वाब देखते हैं। सोने के दाम बिक जाएगा शहर में ये बच्चा। इतने से तो नहीं मानूंगी। 3 लाख अभी
पर वैसे भी 60 दिन का सौदा अगर 6 लाख में हुआ हो तो 3 लाख एडवांस कोई नहीं देता गुड्डी। निकली ना मासूम चेहरे के पीछे से चलाकी। 6 लाख इज्जत के साथ थे। मिली हुई जिल्लत ने 4 लाख बढ़ा दी। अब 10 लाख लूंगी। कबूल है। 3 लाख अभी, 3 लाख तुम्हारी बहन की शादी वाले दिन, और बाकी के सब पैसे 58 में थे। अच्छा 5 मिनट सोचने दो। सब कैसी तबीयत है हमारी बच्ची की? ब्लड प्रेशर हैरत अंगेज तौर पे लो है। ऐसी हालत में जान को भी खतरा होता है। अभी तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में हालत संभल जाएगी। बस थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि कुछ ज़हनी तनाव ना हो। शुक्रिया बहुत आपके डॉक्टर साहब। मैंने डॉक्टर साहब को गाड़ी तक छोड़ा। इजाजत। अल्लाह मैक। बेटा घर में कोई लड़ाई हुई है क्या? आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही बस। और तुम्हारे साहब की तबीयत कैसी है? पहले से ज्यादा खराब है। ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। और बेगम साहिबा कैसे? वो ठीक है। चलो मेरा सलाम कहना। बड़ा दर्द भरा वजर है इस किस्से में, पर अगर तू इसी तरह जिद पर अड़ा रहेगा तो सारी जिंदगी मेरी तरह यहीं पड़ा रहेगा, और वो तुझे बेवफा समझकर किसी और के नाम हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इन सलाखों दीवारों के साथ सर पीट पीट कर अपनी जान दे देगा, और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी बहन जैसी है वो। बहन जैसी? बहन तो नहीं है ना। तेरी आजादी की चाबी ये निकाह है। अपनी बीवी तक पहुंचने के लिए तुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। खुद गर्जी का सबक दे रहे हैं। हाँ? कि मैं अपनी आजादी के लिए उस छोटी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दूं। देख बद्दर खान की सोच फैसला होने के बाद आती है। अगर उसने सोच लिया कि उसकी बेटी की शादी तुझसे होगी तो होगी, वरना वो सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठाए रखेगा। बद जुल्म कर अपने और उसके साथ जिसे अपने निकाह में चकड़ाया है, उसकी एक एक करवट 100-100 किलो के बराबर होगी तेरे पूजा। हराहट तेरे कदमों के होने का धोखा देती होगी उसे। सिद्ध को छोड़, अपने और उसके बारे में सोच। ये गुनाह नहीं, तेरी आजादी का रास्ता है। अब है तेरी मर्जी। आगे तेरी मर्जी भाई।
दादा आपने मुझे बुलाया? हाँ मियां कुतुबुद्दीन, तुम्हें सियासतदान बनने का बहुत शौक है। दादा सियासतदान नहीं, वजीरे आजम। एक ही बात है, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए नीचाई से ही शुरू किया जाता है। हमारे इलाके की काउंसिल का 3 महीने के बाद इलेक्शन है, 3 गांव वोट डालते हैं। सोच रहा हूं कि इस बार तुम्हें खड़ा कर दूं। सोचे नहीं, फैसला महफूज करें और अगले 3 महीने में सुना दीजिएगा। लेकिन लोगों को अपनी बातों से शीशे में उतारने का फन भी तो आना चाहिए। दादा अभी आपने मेरा खिताब सुना ही कहा है, पूछिए मेरे कमरे के शीशे से जिसके सामने रोज खड़ा होकर मैं खिताब करता हूं। अगर शीशे के हाथ होते तो ताली बजा बजा कर अपने हाथ लाल कर लेता। ठीक है, तुम्हारा इम्तहान होगा, अगर इम्तहान में पास हो गए तो इलेक्शन में खड़ा कर दूंगा। हुक्म करे, कहां धरना देना है? बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, वो महक भाजी को होश आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक ही बात बार बार दोहरा रही है कि गुड्डी को मत जाने दो, उसको रोक लो। ठीक है, तुम जाओ। जी मियां कुतुबुद्दीन, तुम्हारा इम्तहान यह है कि तुम अपनी बहन को समझाओ कि गुड्डी को यहां आने से न रोके। मुश्किल है, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई कैंडिडेट भारी अक्सरियत से जीत रहा हो और इलेक्शन से एक रात पहले उसको कहा जाए अपने कमजोर हरीफ के हक में बैठ जाओ। इम्तहान को इम्तहान साथ होने की वजह से कहा जाता है। अगर मैं जीत गया तो वादा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वादा। जाओ। कोई बैर लिए बैठा है मुझसे। काश के जिंदगी में बस एक मौका मिल जाए जब मैं बता सकूं मेरे लौट कर वापस ना आने की वजह मेरी बेवफाई नहीं, इन सलाखों के पीछे कैद मेरी मजबूरी है। कमर तोड़ कर रख दी, बड़ी से बड़ी बात पर भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे बालों की खुशबू, तुम्हारी मोहब्बत भरी आंखों से खुद को देखे जाने का एहसास अब भी ताजा है, बिल्कुल ताजा। इनके कंधों पे चल रही हैं मेरी सांसें, तुम्हारे इंतजार में चलती हुई सांसें अब थक चुकी हैं, बहुत सोच गए हैं ये ना हो कि रुक जाए। अब आ जाओ, तुम्हें मेरे खुद को तुम्हें सोचते हुए लम्हों का वास्ता। बद जुल्म कर अपने और उसके साथ जिसे अपने निकाह में चकड़ाया है, उसकी एक एक करवट 100-100 किलो के बराबर होगी तेरे कब्जे में, और आहट तेरे कदमों के होने का धोखा देती होगी उसे। सिद्ध को छोड़, अपने और उसके बारे में सोच, ये गुनाह नहीं
तेरी आजादी का रास्ता। एक घंटा पहले बात हुई थी मेरी बैग से। खैर ये दादा जान घर आ गए। अच्छा फिर बात नहीं हुई? फोन ही नहीं उठा रही। तुम्हें क्या लग रहा है मैं उसके इंतजार में बैठी हूँ? तो फिर मेरी नजर तो पटरियों से हट ही नहीं रही। कब आएगी ट्रेन? आपने भी थोड़ी देर पहले डील की है मेरे साथ, 10 लाख रुपए दूंगा आपको। ओहो फैसले आगे पीछे करती रहती हूँ। पता क्यों? जो लोग अपने फैसलों में अटल होते हैं ना उनका नसीब ढीठ हो जाता है, बदलता ही नहीं। कभी कभी ना नसीब की करवट बदलने के लिए फैसलों को आगे पीछे करना जरूरी होता है। अब सोचो 20 लाख का बच्चा 20 मिनट में बिक जाएगा और 10 लाख उसके साथ 60 दिन की जिल्लत। बदल गया फैसला, आसान था। भाई क्या बना ट्रेन का? आ रही आज। अच्छा आ रही है। अच्छा सुनो मेरा नंबर रख लो, कराची आओ ना तो मेरे मेहमान जरूर बनना। उस हालत में और इस उदास हालत में बड़ा फर्क है। बना सवरा देखोगे ना तो पलकें झपकने में थोड़ा थोड़ा वक्त बढ़ा दोगे। ये जग उछाल कर तेरे सर पे इतनी जोर से मारूंगी कि ये जग भी टूटेगा और तेरा सर भी। तेरी इतनी औकात कि तू मुझे मेरा फैसला बदलने को कहे? मैं कह थोड़ी रहा था, मैं तू करारदात पेश कर रहा था। चाहे तू मान ले चाहे तू मुस्तरद कर दे, पर मान लेंगे तो सुकून बढ़ा पाएंगे। अब मुझे अपनी अना तोड़ने से सुकून नहीं अजाब मिलता है। बाजी असेंबली में हुकूमत बनाकर अकेले बैठने का क्या मजा? अपोजिशन ना हो तो ऐसे ही है जैसे प्यास बगैर पानी। सीधी सीधी बकवास कर, 9 बजे का खबरनामा मत पढ़ मेरे सामने। आपने एक झटके में उसको ना अहल करके घर से निकाल दिया, बस एक बार की सजा। उसे वापस बुलाएं, हर रोज जलील करें, हर रोज अपनी जूतियां बदल बदल कर जूतियों की नोक पर रखें, हर रोज सुकून का मुंह देखें, मजा आ जाएगा और हर रोज आता रहेगा। जा बोलते अब्बा जी को बुला ले उसे। मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है बाजी। जल्दी करें, 5 मिनट का स्टॉप है। जी चुप कर जा। खुदा का वास्ता है ऐसा मत करें, किसी की जिंदगी आपकी गोद में। अच्छा और जो जिल्लत हुई है मेरी, वापस जाऊंगी तो वही मिलेगी ना? ठीक है इज्जतदार काम नहीं किया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इज्जत कराने का शौक नहीं। गुड्डी मैंने एक माँ होते हुए अपने बच्चे को गुड्डी के साथ जाने दिया तो और क्या करती? ताई को बताती कि ये बच्चा मेरा है, उसके बाप का पूछते तो क्या बताती मैं? मुझे मेरे जान की परवाह नहीं लेकिन ये मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी। मैक बेटा आजे मैक बेटा पोछ लो अपने आंसू और हंसी को थोड़ा सा वक्त दो। क्या बाजी ने गुड्डी को घर आने का टिकट दे दिए? वाकई? हाँ बिल्कुल।
कर चुकी हूँ। कृपा मेरा फोन गुड्डी को डाका वास्ते रख जाओ, किसी की जिंदगी का सवाल है मत जाओ। जिस नरमी से तुमने मेरा हाथ पकड़ा ना, अच्छा सा लगा मुझे। एक लम्हे के लिए मैंने ये भी सोचा कि रुक जाती, लेकिन अगर इस नरमी में जरा सी भी जबरदस्ती या सख्ती आई तो ऐसा शोर मचाऊंगी कि इस ट्रेन से 10-15 मर्द निकलकर पागलों की तरह मेरी मदद करने लगेंगे। मर्दों को बड़ा शौक होता है अकेली लड़की की मदद करने का, हीरो बनना किसे अच्छा नहीं लगता लड़की के सामने। हाँ छोड़ो मेरा, ये तंग तो नहीं कर रहा आपको? नहीं नहीं शुक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा खुदाई फौजदार, जैसे जैसे मेरा शोर बढ़ता जाएगा इनकी गिनती बढ़ती जाएगी, इसलिए हाथ छोड़ो। जाना है तो जाओ, बच्चा देकर जाओ मुझे। 20 लाख का बच्चा जिल्लत के बदले दे जाओ। अच्छा हटो मेरे रास्ते से, काम करो अपना। गुड्डी गुड्डी गुड, हेलो हेलो आदर, अल्लाह ने मेरी सुन ली। गुड्डी और मेरे बच्चे को जल्दी से घर वापस ले आओ, मैं और मेरी गोद तरस रही है मेरे बच्चे के लिए। आदम आदम तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आदम कुछ तो बोलो, वो कहीं चली तो नहीं गई? मुश्किल खोंदा।